कानपुर देहात में कानपुर देहात महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये महोत्सव 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक चलेगा। इस महोत्सव में कई हास्य कलाकार आएंगे। वहीं कुमार विश्वास और मालिनी अवस्थी भी इस कार्यक्रम में आई थी। अब आज के दिन 11 तारीख है और 11 तारीख में सुनील पाल, अन्नू अवस्थी और रविंद्र जानी भी आएंगे। जानेंगे यहाँ के लोगों से जो यहाँ पर अपना एक एंजॉय करने के लिए आए हैं, अपने बच्चों के साथ आए, अपने फैमिली के साथ आए, यहाँ पर झूले का आनंद ले रहे हैं, तरह तरह के झूले लगे हैं बच्चों के लिए, वो यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर बात करेंगे, भाई साहब भी हैं यहाँ पर। भाई साहब आप इसी जिले से? जी। क्या नाम है? मुगीसापुरा, नाम संदीप सिंह। संदीप जी, किस फैमिली के साथ आए आप यहाँ? जी, हमारे वाइफ है। अच्छा, कैसा लग रहा है कानपुर देहात महोत्सव पहली बार मनाया? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अच्छा, कुमार विश्वास कानपुर देहात में पहली बार आए, मालिनी अवस्थी भी आई, अब आज सुनील पाल आएंगे, कैलाश खेर भी आएंगे, उनको सुनने आएंगे आप? जी, सुनने आएंगे जी। कभी सोचा था कि ऐसा कार्यक्रम होगा? नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा। नहीं। तो बच्चा आपका झूला झूल रहा है? बच्चा हमारा झूल रहा है, बिल्कुल। देखिए इनका बच्चा ये झूला झूल रहा है। काफी लोग यहाँ पर हैं, स्कूल के भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और तरह तरह के झूले अगर आपको दिखाएं, यहाँ पर रेलगाड़ी है बच्चों के लिए, हेलीकॉप्टर वाला झूला भी है, बगल में कार भी है, तरह तरह के लोग हैं, स्कूल के लिए के लोग भी, बच्चे भी यहाँ पर आए हैं, इनसे भी पूछ लेंगे। और इधर दिखाएं, ये भी एक झूला है आसमानी तौर पे। आप लोग बेटा कहाँ से आए हो? प्रांजलि स्मारक लेवा। स्कूल से आए हो आप सभी लोग? आए। यस। क्या नाम है आपका? महक। महक, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे, एंजॉय कर रहे हो आप लोग? यस, अच्छा लग रहा है। अच्छा, पहली बार हुआ ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर? यस। ऐसा होता रहना चाहिए? यस। अच्छा अच्छा, कैलाश खेर भी आने वाले हैं आज, सुनील पाल आएंगे, अगर मौका मिला तो आप उनको सुनने आएंगे? यस, सुनने आएंगे। आप सर कहाँ से आए? प्राचुर स्मारक लेवा। क्या क्या नाम है आपका? नाम विपिन अवस्थे। विपिन अवस्थे जी। अच्छा, कभी सोचा था कुमार विश्वास को देखने का मौका मिलेगा? कुमार विश्वास भी आए, मालिनी अवस्थी भी आई, आज सुनील पाल आएंगे, अन्नू अवस्थी आएंगे, रविंद्र जानी आएंगे और कल कैलाश खेर आएंगे। अगर मौका मिला तो आप आएंगे? यस, आए थे, डेली आते हैं। डेली आते हैं, सुनते हैं सभी? जी जी, सभी को सुनते हैं। देखिए किस तरीके से कानपुर देहात महोत्सव मनाया जा रहा है। हालांकि धूप काफी तेज है, लेकिन बच्चों का जो उत्साह है वो देखने योग्य है। तरह तरह के झूले हैं, देखिए आसमानी झूला है, इस पर भी 50 रुपए की टिकट लगाई गई है, बच्चे यहाँ पर भी झूल रहे हैं, परिवार के लोग आ रहे हैं। अगर पीछे आपको ले चले तो काफी भीड़ है, ये भी किसी स्कूल के ही बच्चे दिख रहे हैं। आप लोग भाई साहब कहाँ से आए हो? भैया कहाँ से आए हो? कानपुर देहात से। कानपुर, किस गाँव? क्या नाम है? सौरभ। सौरभ, कुमार विश्वास आए थे अभी यहाँ पर, तो कैसा लगा था आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा था। आज सुनील पाल आ रहे हैं, अन्नू अवस्थी आ रहे हैं, रविंद्र जानी आ रहे हैं और कल कैलाश खेर आएंगे। अगर मौका मिलेगा तो देखेंगे उनको? जी, कल कैलाश खेर को जरूर देखेंगे। कैलाश खेर को जरूर देखेंगे। क्या करते हैं आप? जी, मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ एंजॉय करने आए? जी जी। झूला झूल रहे हैं? नहीं, झूला वूला नहीं झूल रहे, बस देखने आए। बस देखने आए, बिल्कुल। देखिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो झूला झूलने नहीं आए, सिर्फ देखने आए। लेकिन कानपुर देहात में कानपुर देहात महोत्सव ऐसा पहली बार मनाया जा रहा है, कई तरह की बातें भी उठ रही हैं कानपुर देहात महोत्सव के लिए। लेकिन जो जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं वो पूरी तरीके से है, बच्चों का काफी यहां पर देख रेख की गई है। आप सुनिए एक मिनट, कहां से आए आप? कहां से आए? सहथा कानपुर देहात से। क्या नाम है आपका? यहाँ झूला झूलने आए हैं? झूला झूलने आए। अच्छा, कैलाश खेर आएंगे, अन्नू अवस्थी आएंगे, सुनील पाल आएंगे, उनको सुनने आएंगे आप? जी आएंगे, आएंगे सुनने आएंगे। अच्छा, कुमार विश्वास आए थे, पहली बार कानपुर देहात में आए हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं बोल पा रही है वो, कोई बात। आप लोग बताओ, किसी स्कूल से आए हो आप? हम लोग कोचिंग से आए, सिकर अकेडमी से। पूरी टीम आई है? पूरी टीम आई है, बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं, एक एक लोग पूरा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, कुमार विश्वास आ चुके हैं, मालिनी अवस्थी आ चुकी है, आज सुनील पाल आएंगे, अन्नू अवस्थी आएंगे, रविंद्र जानी आएंगे, ये हास्य कलाकार हैं, अपने मतलब चुटकुलों से लोगों को हंसाते हैं। कल कैलाश खेर आएंगे, तो आप उन लोग को सुनने भी आएंगे? आएंगे, कल अगर समय मिलेगा तो जरूर आएंगे, लेकिन यहाँ पे भीड़ ज्यादा हो जाती है, इसलिए देखने को मिल सकता है तो जरूर आएंगे हम लोग। नहीं, भीड़ भी होती है, लोग भी आते हैं, उसकी व्यवस्थाएं भी की जाती हैं। तो क्या अब इससे पहले आए थे आप लोग? अभी तक नहीं आए, पहली बार आए। पहली बार आप तो अब आएंगे अगर मौका मिला? आप देखो मौका मिला तो आ सकते हैं। आ सकते हैं, देखने आएंगे? देखने जरूर आएंगे। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग हैं, इनकी तरफ से आज यहाँ घूमने का प्लान किया गया है। काफी लोग यहाँ पर आए, हर तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद हैं और देखिए अपना यहाँ आनंद उठा रहे हैं। जिस तरीके से कानपुर देहात महोत्सव में
पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद है। अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर पुलिस भी है और देखिए इधर महिलाएं भी हैं, महिलाएं भी आई हुई हैं, इनसे भी अगर हम बात करेंगे तो बात कर सकते हैं, इनसे पूछ लेंगे, ये लोग भी अपना यहाँ इंजॉय कर रही हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए आप जी, आप कहाँ से आए हो? मिसरपुर से। यहाँ घूमने आए हैं आप? घूमने आए, कार्यक्रम में आए? कैसा लग रहा है ऐसा कार्यक्रम हुआ है कानपुर देहात? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, किसी सिंगर को सुना आपने? अभी कुमार विश्वास आए थे, मालनी अवस्थी आई थी, आज वो भी आएंगे, सुनील पाल आएंगे, तो देखने आएंगे अगर मौका मिलेगा जी। बिल्कुल, देखिए महिलाएं हालांकि शर्मा जरूर रही, ये भी अपने परिवार के साथ आए, इनसे भी पूछ लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम असलम खान है। असलम जी कहाँ से आए? वैसे तो हम हिसार से आए। हाँ, और फिलहाल तो रहने वाले इधर ही अकबरपुर के हैं। अकबरपुर के हैं, तो पूरे परिवार को घुमा रहे हैं आप? बिल्कुल, एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं। लीव लेके आए हुए हैं। सरकारी नौकरी है? जी, आर्मी में। आर्मी में है, बहुत अच्छी बात है। आर्मी के देखिए जवान भी अपने फैमिली के साथ एंजॉय करने आए। अच्छा, कानपुर देहात में पहली बार ये महोत्सव हो रहा है, कैसा लग रहा है? ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी लग रहा है। बिल्कुल, लोगों को बढ़ावा और लोगों को जानकारी, हर चीज, मतलब हर विषय के बारे में जानकारी या कुछ, बहुत अच्छी चीज है वैसे मेरे हिसाब से। तो बच्चों को एंजॉय करने के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, इसीलिए हम बच्चे भी लेके आए। अच्छा, ये बताइए, कुमार विश्वास आ चुके हैं, मालनी अवस्थी आ चुकी है, आज सुनील पाल आ रहे हैं, अनु अवस्थी आ रहे हैं, हास्य कलाकार हैं ये सभी, रविंद्र जानी भी आ रहे हैं और कल कैलाश खेर आएंगे, तो क्या मौका मिलेगा तो विद फैमिली आएंगे आप लोग? बिल्कुल आना ही है, सुनेंगे आप लोग, ये तो गोल्डन चांस हमारे लिए, गोल्डन चांस है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या नहीं, अच्छी बात है। अच्छा भाभी जी, आप बताइए, आप भी आएंगी? हाँ जरूर आएंगे, हम लोग तो आए हैं, घूमने के लिए आए ना, एंजॉय करने, तो आएंगे जरूर। अच्छा आप बताइए, इस कार्यक्रम में, कानपुर देहात महोत्सव में, आप आर्मी से हैं, आर्मी के लोगों को भी सम्मानित किया गया, उसके लिए कुछ कहेंगे? ये तो देश के, अगर सेना को अगर सम्मानित किया जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो देश के जो लोग रक्षा करते हैं उनको अगर यहाँ पे बढ़ावा दिया जाए, लोगों को जानकारी इनके बारे में दी जाए, तो हम लोगों का बहुत सम्मान की बात है। वैसे भी जो जिनका भी किया हुआ है, एक्चुअल में कौन, जिला प्रशासन अगर इसको कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है हमारे हिसाब से, या हमारी सोच से बहुत बड़ी बात है, अगर हम लोगों को सम्मान दिया जा रहा है इसे, मतलब अच्छी बात मेरे लिए तो कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, कानपुर देहात जैसे कहा जाता है बड़ा पिछड़ा है, देहात शब्द लगा है, इस वजह से इस तरीके का कार्यक्रम ऐसा कानपुर में भी होता है और देहात में आज हो रहा है, तो ऐसे होते रहने चाहिए कार्यक्रम? मैं तो बोलता हूँ बिल्कुल होना चाहिए, अगर आम जनता को जागरूक करना है, उनको कुछ बताना है, कोई मैसेज देना है, इस तरह के अगर कार्यक्रम होंगे तो बहुत बड़ी बात है, बहुत और बहुत ही अच्छी बात है। बच्चों से भी बात करें, क्या बेटा नाम है आपका? आयत खान। आज कौन सा झूला झूलेंगे आप? अंकल झूला झूलने आए हैं? कौन सा झूला है अभी? हा? अभी झूला झूला है कोई? हा? कौन सा झूला है? एरोप्लेन वाला, बैठी थी, कभी मौका मिला तो एरोप्लेन चलाएंगी सही में? हाँ। बिल्कुल चलाएंगी। अरे वाह, देखिए समझ सकते हैं, आर्मी की बेटी है, आर्मी जवान की बेटी है, जिसका हौसला भी बुलंद है, उसका कहना है कि अभी तो वो हेलीकॉप्टर वाले झूले पे बैठी थी, अगर उसको मौका मिलेगा तो जरूर वो कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर चलाएगी बड़े हो करके, जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से बच्चों, महिलाओं, बच्चों के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, बच्चियों के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसमें जो ये बच्ची ने जवाब दिया कि वो बड़े होकर के कहीं ना कहीं पायलट बनना चाहती है, वो भी सचमुच में हवाई जहाज उड़ाना चाहती है। देखिए काफी बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, सभी लोग अपना इंजॉय कर रहे हैं, ये जो महोत्सव लगा है इसमें कई हास्य कवि भी आएंगे, कलाकार भी आएंगे, जो लोगों को अपनी बातों से, ठाकों से हंसाएंगे। लोगों का कहना है कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो जरूर वो कहीं ना कहीं अपने परिवार और अपने रिश्तेदार, अपने नातेदार लोगों के साथ यहाँ पर आएंगे एंजॉय करने। हालांकि कुछ लोगों ने कुमार विश्वास को नहीं सुन पाए थे, लेकिन अगर उन्हें मौका मिलेगा तो आज सुनील पाल, अनु अवस्थी, रविंद्र जानी और कल कैलाश खेर को देखने कानपुर देहात के इस कानपुर देहात महोत्सव में जरूर आएंगे। ये देखिए बच्चे देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं, ये कार वाला झूला है, ये देखिए बच्चा हाथ हिला रहा है अपने परिवार को, जैसे उसको लगता है वो गाड़ी से कहीं जा रहा है, लेकिन मासूम है, कितना मासूम है ये देख सकते हैं, उसको लग रहा है कि वो कहीं जा रहा है। अगर देखें आपको, ये देखिए हाथ हिला रहा है, बराबर हमसे भी हिला रहा है, वो बाय कर रहा है, उसको ये लग रहा है कि वो कहीं जा रहा है, लेकिन अपने परिवार के साथ यहाँ पर इंजॉय कर रहा है। समझ सकते हैं बच्चों के लिए भी काफ़ी उत्साहित चीज़ें यहाँ पर हैं, झूले हैं हर तरीके के, समझ सकते हैं। लोगों का कहना है कि अगर मौका मिलेगा
तो हास्य कलाकार लोगों को सुनने जरूर आएंगे। और वहीं कैलाश खेर के लिए काफी लोगों ने कहा कि उनको देखने तो जरूर आएंगे, क्योंकि अभी तक उन लोगों ने कैलाश खेर को टीवी और मोबाइल पर ही देखा है। कानपुर देहात से सूरज सिंह, कानपुर तक।